ये चक्कर लो, यहाँ पे कट रही है फीस, जो कि यार अंधी फीस है मतलब ना। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में भाई हम सीधा अभी पालमपुर में हैं, पालमपुर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एंड आज के व्लॉग में भाई क्या होने वाला है, बेसिकली यार अपनी बाइक आज हम प्रॉपर लीगल करने वाले हैं। सो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा अपनी बाइक को लीगल करवाने का भाई, वो आपको अभी बताता हूँ मैं। सो अभी हम हैं पालमपुर, RTO ऑफिस बोल लो या मतलब RLO बोल लो। सो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है यार, मैं आपको बता दूँ, मतलब इस व्लॉग में फुल डिटेल में बताऊँगा क्या क्या सीन रहने वाला है। सो अभी यार हम पहुँचे हैं पालमपुर एंड यहाँ पे भाई हमारी ना फीस कटेगी जो न्यू RC के लिए हमने अप्लाई करना है। सो देखते रहो पूरा व्लॉग एंड भाई समझ जाओगे एंड तक कि क्या क्या प्रोसीजर है। भाई वो फीस कटानी है रुक, उसका कलर आली। हाँ तो गाइस अभी फाइनली सीन ऐसा यार अपना काम भाई हो चुका है। एंड भाई जो जो बंदे पूछ रहे थे लीगल इलीगल एंड क्या सीन रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो भाई ये था सीन, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन रहेगी, एक बार चेक कर लो, ये मैंने लिखी थी SDM के लिए। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है कि आपने कलर चेंज कराना है, 24 नवंबर को लिखी हुई है भाई। सो 24 नवंबर के बाद अब जाके जैन में काम हो रहा है। एक्चुअली इस टाइम पे आपको पता है इलेक्शंस वगैरह थे ना, बड़ी दिक्कतें हुई थी इलेक्शंस वगैरह के बीच में, काम नहीं हो रहा था। सो ऐसा ऐसा सीन था। बाकी ये है फॉर्म नंबर 20, ये होता है न्यू RC के लिए, ये आपको भरना पड़ता है भाई, ठीक है। इसमें बाइक की डिटेल्स है कि आपके बाइक्स का क्या क्या सीन है, कितना कितना जो भी है। इसके बाद भाई आपकी कटती है फीस, वो फीस का भाई मैं आपको सीन बता देता हूँ। फीस का भी मुझे मैसेज आ चुका है, ये मैसेज है भाई, प्लीज़ विजिट वाहन परिवहन, ठीक है, यूज़र ID एंड पासवर्ड वैलिड फॉर 1 डे। सो इसको विजिट करेंगे। सो ये है भाई यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। सो 225 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट है। तो यार मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि अपना जो इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह है उसके लिए 500 से 1000 तक की फ़ीस है, बट मेरे केस में भाई 225 रुपये लग रही है। सो काफ़ी सही है भाई, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, पैसे बच गए। सो अभी ये पेमेंट करता हूँ मैं, फिर सीन ऐसा होने वाला है, फिर मैं मिलूँगा आपसे भाई, मतलब ट्यूज़डे को जब पासिंग होगी, सो पासिंग वगैरह वो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। जब पासिंग कराने जाऊँगा ना, सो वो भी इसी में ऐड कर दूँगा, तो कैसा कैसा अपना सीन रहता है। सो मिलते हैं आपसे भाई। सो ये देख लो भाई, 225 रुपये की फ़ीस लग रही है अपनी बाइक की अल्ट्रेशन की, टोटल डन करते हैं भाई। ये हुआ भाई 225 रुपये सेंड। अभी का सीन ऐसा भाई, अभी हम निकलते हैं यहाँ से एंड भाई पासिंग होने वाली है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को भाई हम जाएंगे फिर दहन में, दहन में होती है भाई इसकी पासिंग। सो इस व्लॉग को कंटिन्यू भाई ट्यूसडे को करेंगे, सो दैट आपको ना पूरा एक ओवरव्यू मिले यार कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। सो स्टे ट्यून्ड भाई। सो हे गाइस, फाइनली यार आज है ट्यूसडे एंड अभी तक यार आपने सीन पानी देख लिया होगा कि मतलब फीस वगैरह कट गई थी अपनी बाइक की। सो आज मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ ट्यूसडे को। सो अभी हम निकल रहे हैं यार दैन पासिंग के लिए। सो अभी अपना सिस्टम पूरा रेडी है भाई, जैकेट वगैरह हेलमेट वगैरह, सो अभी चलते हैं एंड मिलता हूँ सीधा बाइक पे, फिर आज की बाकी बात बाइक पे करता हूँ भाई। अभी आ गए अपनी बाइक पे एंड यार मैं आया था अभी शॉप पे। सो हमने भाई जो रिसिप्ट मतलब जो फीस पे करी थी 2 to 5 rupees की, उसका प्रिंट आउट लेना था, वो हमने ले लिया भाई। अभी हम निकल रहे हैं सीधा भाई दहन के लिए एंड यार अपनी बाइक ना बहुत ज़्यादा गंदी है, बट अभी मेरे धुलाने का टाइम नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हूँ भाई, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। ये चेक करो अपनी वरना लग रखी है भाई। ओए बाय बाय कर, बाय 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 बाय। तो गाइस अपना भांजू बैठ रखा है दुकान पे। मेरे को एक्चुअली ना टाइम वगैरह का सीन नहीं पता है कि कितने बजे से पासिंग वगैरह स्टार्ट होती है, कहीं ऐसा ना हो भाई कि वहाँ पे सब कुछ हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है भाई वहाँ पे कुछ भी ना हो, अभी MBI भी ना आया हो। सो लेट्स सी आगे जाके पता लगेगा। एक और भाई सीन बताऊं तो आपको पता है अपनी बाइक पे ना मिरर नहीं लग रखे एंड यार ऊपर से फोग लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो बस मुझे यही डर है कि भाई इसका इशू ना बना दे कुछ, मतलब तो वहाँ पे सर यार मिरर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस वो चीज़ का थोड़ा सा डर है मेरे को, बाकी तो कोई खास इशू नहीं है। तो लेट्स सी भाई मिरर का इशू ना बनाए, मतलब बीच मैंने ऑलरेडी सोच के रखी है भाई, अगर मतलब फोग लाइट्स वगैरह की बात आती है तो क्या चीज़ बोलनी है भाई। अभी सीधे दहन चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं सीन पानी भाई पासिंग वगैरह का। एक्चुअली मैं पहली बार कोई गाड़ी अपनी पास करा रहा हूँ भाई, अगर भाई ज़्यादा इशू हुआ ना कुछ मिरर्स का कि यार मिरर्स के बिना पासिंग नहीं होगी ये वो, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है, वापस घर आना पड़ेगा एंड मिरर्स इंस्टॉल कराने पड़ेंगे, फिर वापस जाना पड़ेगा भाई।
सो बस होप कि ऐसा ना हो भाई सुबह सुबह। सीन पता क्या होने वाला है, अगर अभी हमारी बाइक सक्सेसफुली पास हो जाती है तो फिर हमें जाना पड़ेगा पालमपुर तहसील एंड वहाँ पे यार अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ना, फिर हफ्ते में आरसी आ जाएगी नई वाली। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई कि MBI कोई इशू ना करे एंड आराम से भाई अपनी बाइक पास हो जाए। ओ भाई साहब लग गए थे अभी, मेरा पैर ऑलमोस्ट टच था भाई गाड़ी से। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं देन फाइनली, अंदर चलते हैं। भाई साहब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, फुल पावर गाड़ियाँ, मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही हूँ बाइक वाला। ओ भाई साहब एक बार गेड़ी मार के आते आगे की। अंकल बाइक वगैरह कदा होंगी पास पर? भाई देख रहे हो एक साल पुरानी बाइक है, अभी 1.5 साल पुरानी एंड इसकी पासिंग होगी भाई। यहाँ पे लगा देता हूँ भाई मैं बाइक, मिरर्स नहीं है भाई, बस उसी बात का डर है, बाकी कोई डर नहीं है। फोटो ले लिए भाई, भाई नेक्स्ट लेवल लग रही है अपनी बाइक। तो सही टाइम पे पहुँचे हैं, तो चलो पासिंग वगैरह के बाद मिलता हूँ भाई मैं आप लोगों से, सो स्टे ट्यून्ड। सो भाई लोग ये चेक कर लो, यहाँ पे कट रही है फीस, जो कि यार अंधी फीस है, मतलब ना किसी भी, मतलब क्या बोलूँ यार गाइज, ये देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसे ही देख रहे 200 रुपए की पर्ची काट दिया भाई होली फेस्टिवल। गाड़ियों की भाई इतनी हो ना तो मैं मानता भी हूँ यार, बाइक में 200 रुपए का मेरे पूरी वैसे फीस लगी है, 200 रुपए तो इन्होंने काट दिया, 400 रुपए हो गए गाइज, समझ रहे हो। बाकी ये खड़ी है गाइज अपनी बाइक जो कि पास हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपना फॉर्म नंबर 20, ये चेक करो न्यू कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लैक एंड नियोन आया भाई। सो अब ये फाइल मैं जमा कराऊंगा पालमपुर में एंड जो अपनी न्यू RC आएगी उस पर कलर होगा ब्लैक एंड नियोन। सो ये चेक कर लो 10 जैन पास हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी फाइनली भाई, एक हफ्ते के बाद न्यू RC आ जाएगी, ये परमिशन थी और ये थी फीस। सो कुल मिला के भाई 425 रुपये रख के चलो अब। सो मैं पहले बोल रहा था 225 रुपये लगे हैं, 225, सो 225 नहीं है भाई, 200 और लग चुका है, 425 एंड ये खड़ी भाई अपनी बाइक एंड भीड़ देखो भाई, ये तो शुक्र है बाइक्स का पहले हो गया एंड मैं जैसे ही आया ना भाई अपना नंबर लग गया था, सो काफ़ी बढ़िया सीन है। शुक्र है अभी निकल रहे फाइनली अपना लीगल व्हीकल लेके। MBI सर भाई बड़े ही मस्त थे यार बंदे, ठीक है कुछ भी नहीं बोला भाई, ना लाइट ना कुछ, ऊपर से भाई मतलब खुद आके ढूंढ रहे थे, पहले गाड़ी चेक कर गए फिर खुद ढूंढ रहे थे भाई कि मैं कहाँ गया एक्चुअली साइन करने के लिए। अभी भाई अपना काम है सीधा पालमपुर जाना एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करना और भाई हफ्ते के बाद अपनी RC अपने हाथ में। अब अपनी टोक्यो लीगल है, वैसे तो लीगल पहले भी थी जब आपने परमिशन ले ली ना भाई व्हीकल चेंज कलर चेंज कराने की, सो आपकी बाइक लीगल ही है फिर। बट अब भाई ऑफिशियली RC पे इसका नाम प्रिंट होगा, मतलब न्यू कलर प्रिंट होगा, सो ब्लैक एंड नियोन, MBI सर ने भाई वो कलर लिखा है उस पर, सो ब्लैक एंड नियोन। तो भाई लोग फाइनली पहुंच गए हैं पालमपुर एंड यार खतरनाक व्यू भाई, मतलब पालमपुर में एंटर होते यार इतना सेक्सी व्यू देखने को मिल जाता है ना सामने, क्या ही बोले, नहीं मानती भाई आंटियाँ। हम पहुँच गए हैं RLA पालमपुर, ये रहा भाई, सो बाइक लगाते हैं कहीं 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 इधर, अभी चलते हैं अपनी फाइल वाइल देते हैं, फाइल जा रही है सबमिट होने फाइनली। सो मैं एक बार लास्ट वाला को बता दूं क्या क्या चीज़ फाइनली आपको सबमिट करानी है। सो ये फाइल के अंदर ओरिजिनल RC फॉर्म नंबर 20 जिसपे कि आपका न्यू कलर लिखा होगा MBI ने पासिंग के टाइम, उसके बाद परमिशन SDM की, उसके बाद जो फीस लगी आपकी वो, तो ये चीज़ें हैं भाई। सो कराते हैं सबमिट एंड देखते हैं। नमस्कार सर, ऐसा कलर चेंज वाली फाइल पासिंग थी ना आज? हाँ जी, HP 37G 6893। हाँ जी, तो एक हफ्ता लगेगा भी, कब मैसेज आएगा? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अभी निकल रहे हैं भाई अपनी टोक्यो लेके, फाइनली यार सब काम हो चुके हैं, एक हफ्ते बाद अपनी नई RC आ जाएगी। ये था भाई RC चेंज का प्रोसीजर जो आपको लग गया पता, तो कुल मिला के जो फीस लगी है वो लगी है 425। भी निकलते हैं सीधा यार इस लोग को एंड करते हैं यहीं पे, होप करता हूँ आपको लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल कर देना भाई, तुम करते कम ही हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, टिल देन टेक केयर।